फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है स्क्रीन टाइम आउट चेंज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये है सैमसंग का फ़ोन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और मेरे पास ये है सैमसंग का फ़ोन। स्टार्ट करते वीडियो, कैसे स्क्रीन टाइम आउट चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन टाइम आउट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन टाइम आउट आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी से फ़ोन बंद हो, जितना उसमें होगा उतना आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग को ओपन करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, मतलब ऐसा देखने को मिलता है। आपको क्लिक करना है यहाँ पर डिस्प्ले पर। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन टाइम आउट। और किसी किसी फ़ोन में, वीवो के फ़ोन में ओ टू लॉक कहते हैं और बहुत सारे फ़ोन में अलग अलग कहते हैं स्क्रीन टाइम आउट, ओ टू लॉक, स्क्रीन जूम, ऐसा कुछ कहते हैं। स्क्रीन जूम नहीं कहते। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट है। सैमसंग के फ़ोन में किसी भी डिवाइस में देख रहे हो स्क्रीन टाइम आउट लिखा हुआ, स्क्रीन टाइम आउट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ये आपको 15 सेकेंड में बंद होगा, ये 30 सेकेंड में, ये 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो 30 सेकेंड लगाएंगे, 30 सेकेंड में मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। यहाँ से बैक कर लेती हूँ, 10 मिनट सबसे ज़्यादा 10 मिनट है ये, तो यहाँ से बैक करके ये सेट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्क्रीन टाइम आउट चेंज करना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।